वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे ज्योग्राफी के 10 सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लूनी नदी किस में गिरती है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कक्ष कारण। ओके, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। सवाल नंबर 3, भारत में किस राज्य ने नए टाइम जोन का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम। सवाल नंबर 4, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा। सवाल नंबर 5, सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुंबई, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 6, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। सवाल नंबर, आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, यदि आपने अभी तक यहाँ पे क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। धन्यवाद। सवाल नंबर 7, भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आयरन और स्टील उद्योग। ओके, सवाल नंबर 8, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नजदीक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद। सवाल नंबर 10, निम्न में से भारत का कौन सा पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विशाखापट्टनम में। और क्वेश्चन फॉर यू, भारत के साथ लगी सबसे लंबी थल सीमा वाला देश कौन सा है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 50-50, दो ही ऑप्शंस है। आपको राइट आंसर पता है तो आप लिखें क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कीजिए, और आपने अभी 25-25 के जो सीरीज चल रहा है उसको नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस सीरीज को देख लीजिए। आज 24 एपिसोड, उसका एपिसोड नंबर 24 लॉन्च हो चुका है, उसके पहले 23 और भी हैं, तो आप उस सभी को देख लीजिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।